मां काल का को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। एक अभूतपूर्व सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दिवाली से दिवाली तक का राशिफल। तो करीब करीब इस दिवाली से अगली दिवाली तक का राशिफल बताएंगे। हर वीडियो में चार राशियां बताएंगे। इस बार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की बात करेंगे और ये राशिफल आधारित होगा पूरे साल होने वाली घटनाओं के बेसिस पे। जैसे कि 2025 बड़ा अनूठा है। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति चारों परिवर्तन कर रहे हैं। मई में बृहस्पति मिथुन में जा रहे हैं, तभी करीब करीब राहु केतु जा रहे हैं कुंभ और सिंह में, और मार्च में शनि मीन में जा रहे हैं। इन सबका क्या असर होगा इन चार राशियों पर, उसे बताएंगे। तो ये दिवाली से दिवाली राशि का राशिफल में उपाय भी बताएंगे। इसका लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस भी ऐसे आएंगे। और मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात मेष लग्न और मेष राशि वालों की। देखिए, अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो तीसरे भाव में आधे साल के बाद बृहस्पति होंगे, नवम को देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पंचम और एकादश में राहु केतु की स्थिति। बारहवें का शनि थोड़ा नुकसान दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि नौकरी व्यापार में स्ट्रगल बना रहेगा। वो दिखा रहा है जितने फायदे होने चाहिए थे, गेंस होने चाहिए तो नहीं होंगे। वो दिखा रहा है विदेश यात्रा में नुकसान हो सकता है। वो दिखा रहा है विदेश यात्रा से संबंधित चीजों में, वीजा में, ग्रीन कार्ड में डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न मतलब शनै शनै स्टडी बट स्टेबल स्लो प्लैनेट है, तो चीजों को स्लो करेंगे। कहां से संबंधित, क्योंकि दशम और ग्यारहवें के स्वामी है, प्रोफेशन से संबंधित, धन से संबंधित, यहां डिले होगा। पैतृक संपत्ति फंस सकती है, पद प्रतिष्ठा मिलने जा रही थी, प्रमोशन वो रुक सकता है। तो ये दिवाली से दिवाली तक का राशिफल मेष लग्न वालों को थोड़ा यहां ध्यान देना होगा, मेष राशि वालों को। लेकिन अगर धन की स्थिति देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्यारहवें भाव को कौन देख रहा होगा, राहु केतु को, बृहस्पति, पैसा रुपया खो पाएगा, अचानक धन प्राप्ति के योग है, कोई बड़ा कूड़ छुपा हुआ धन मिल सकता है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा, उसी के साथ साथ शादी में भी लाभ होगा, विवाह में भी लाभ होगा। जो लोग सिंगल है वो मिंगल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ तृतीय भाव में बृहस्पति होने की वजह से भाई बहनों के साथ अगर कोई तलखियां थी खत्म होगी, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, भाग्य बड़ा चढ़ा दिखता है। क्या काम करें, बंदरों को, कम से कम 7 बंदरों को मंगलवार जब भी मौका मिल जाए बूंदी खिला दीजिए या फिर केले खिला दीजिए, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। आपकी भी स्थिति आप देखिए, ग्यारहवें में कहीं ना कहीं शनिदेव, द्वितीय भाव में बृहस्पति और चतुर्थ और दशम में निश्चित तौर पर जो ये स्थिति दिखती है जबरदस्त है, जबरदस्त स्थिति राहु केतु की साफ दिखाता है। पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, नौकरी में कोई बड़ा आयाम स्थापित करेंगे, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा हासिल करेंगे, नौकरी पैसे में जबरदस्त लाभ होगा, आर्थिक स्थिति जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी, उसी के साथ साथ रुपया पैसा बढ़ने जा रहा है, नौकरी व्यापार में तरक्की होने जा रही है, उच्च पद मिलेगा, राजनीतिक सफलता मिलेगी, उच्च पद पर बैठे लोगों से लाभ मिलेगा। धन आर्थिक स्थिति की बात करें इस पूरे साल की, दिवाली से दिवाली तक की बड़ी अच्छी स्थिति दिखती है, निश्चित तौर पर रुपया पैसा बढ़ने जा रहा है, सडन लाभ होगा, शेयर मार्केट से बड़ा ह्यूज अमाउंट आएगा, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। धन रुपया पैसा अच्छा दिखता है, पारिवारिक जीवन अच्छा दिखता है, पति पत्नी को सो लाभ मिलेगा एक दूसरे से का साथ, उसी के साथ साथ फादर से कोई या पैतृक संपत्ति से कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी स्थिति अच्छी दिखती है, कहीं कोई दिक्कत या गंभीर संकट नहीं दिखता। क्या उपाय करें पूरे साल, इस दिवाली से अगले दिवाली तक, 7 साल से या 5 साल से छोटी कन्या को जब भी मौका मिल जाए शुक्रवार के दिन मीठा भेंट करते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट हो, अपनी क्षमता अनुसार। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। दशम में कहीं ना कहीं शनिदेव, तृतीय और नवम में राहु केतु, स्थितियां अच्छी दिखती है, और लग्न में ही बृहस्पति, कहते हैं लग्न का बृहस्पति ऋषि पर असर कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करता है, इससे बेहतर क्या, कॉन्फिडेंट रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, उसी के साथ साथ खास तौर से सब काम आसानी से होते जाएंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, कोई उच्च पद मिल सकता है, IAS PCS ब्यूरोक्रेसी से लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, कोई बड़ा टेंडर ले सकते हैं, नौकरी व्यापार में, नौकरी में है तो बड़ा उच्च पद मिलने की संभावना मई के बाद दिखती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपया पैसा खूब रहेगा, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, खास तौर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा 29 मार्च तक, उसके बाद स्थितियां बहुत
अच्छी रहेंगी अगले दिवाली तक, और कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें बड़ा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्याएं एक भी नहीं रहेंगी, इन्वेस्टमेंट बड़े कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार दिख रहा है, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको लाभ होगा, संतान एक अच्छी संतान का जन्म देंगे। खासतौर से जो लोग मेरी माताएं बहनों का विवाह में समस्या आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्न से बृहस्पति सप्तम को देखेंगे निश्चित तौर पर नौकरी विवाह सबको संभाल लेंगे। और कहते भी हैं अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए तो सब समझ जाता है। स्वास्थ्य के मामलों में भी स्थितियां बड़ी अच्छी दिखती है, बस खान पान का ख्याल, ओवरवेट का ख्याल, ओबेसिटी का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज सारी स्थितियां आपके फेवर में नजर आ रही है। नारायण कवच का पाठ हर बृहस्पतिवार लाभ दे। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को समझो तो नवम भाव में शनि होंगे और द्वितीय अष्टम में राहु केतु और द्वादश में बृहस्पति। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खर्चों पे कंट्रोल करना होगा, नौकरी व्यापार में गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से नुकसान कर सकते हैं, आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, पुलिस कोर्ट कचहरी के केसेस से दूर रहना है, पिता से संबंधित चीजों में नुकसान हो सकता है, पिता से बैर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा बुजुर्गों का, पूर्वजों का, धार्मिक स्थानों का सम्मान करेंगे उतना लाभ मिलेगा। की फैक्टर यहां पे सबसे ज्यादा छुपा हुआ है आपके लिए, जितना अपाहिजों का, गरीबों का सम्मान करेंगे लोअर तबके का लाभ मिलेगा। नौकरी व्यापार में हालांकि अप्रैल के बाद सुधार आ रहा है और उसमें लाभ मिलेगा, उस समय तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं, रुपये पैसे की उम्मीद कर सकते हैं, चीजें बेहतर। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है, कहीं बड़ी समस्या नहीं दिखती है और खास तौर से पति पत्नी के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष का ज्यादा इंटरफेयर परेशान करेगा, उसका ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्थिति खराब रहेगी। खासतौर से स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या, स्किन की समस्या, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की समस्या परेशान करेगी पूरे साल। दिवाली से दिवाली तक इन चीजों का ख्याल रखिएगा। क्या उपाय करें? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सोमवार के दिन बराबर करिएगा इस दिवाली से अगली दिवाली। तो अगली चार राशियां लेके आ रहे हैं अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।